शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक मिनी फेशियल लेकर आई हूँ। मैं उसको मिनी फेशियल क्यों कह रही हूँ ये भी मैं बताना चाहूँगी। मिनी फेशियल मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अचानक कहीं जाना पड़ रहा है तो हम पार्लर नहीं जा पाते हैं, तो हम बहुत ही जल्दी जो छोटे उसमें फेशियल कर सकते हैं, तो मैं आज वो बताने वाली हूँ, इसलिए मैं उसको मिनी फेशियल कह रही हूँ। सबसे पहले मैं एक कोकोनट ऑयल से थोड़ी सी अपने फेस पे मसाज करूँगी, ताकि मैं अपना फेस पैक जो आपको बता रही हूँ वो फेस पैक जल्दी से घर में ही नेचुरल चीज़ों से मैंने बनाया है उसको थोड़ा सा स्क्रब करके मैं लगाऊंगी। पहले स्क्रबिंग करूंगी उससे फेस पैक से थोड़ा सा, और फिर मैं उसको 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे लगा छोड़ दूंगी, फिर साफ़ पानी से मैं वॉश कर लूँगी। तो एक फेशियल फॉर्म में ही आ जाएगा, बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बाहर ही कुछ फेशियल करा के आए हैं। तो बहुत ही अचानक हमें कहीं जाना हो तो हम इस फेशियल को फटाफट अपने घर में कर सकते हैं और एक अच्छा लुक अपने फेस को दे सकते हैं। तो गाइस, मैं ये फेशियल आपसे शेयर करना चाहूँगी, तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। गाइस, मैं मसाज करने से पहले मैं अपने फेस को पहले क्लीन कर लूँगी अच्छे से। जब भी कोई मसाज या फेस पैक या कुछ करें तो पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, कोई भी मेकअप ना हो। अब मैं कोकोनट ऑयल से थोड़ी सी मसाज करूँगी। ये मैंने एक टमाटर की प्योरी ले ली है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून बेसन ऐड करने वाली हूँ और बहुत ही थोड़ा सा मैंने डाबर हनी इसमें ऐड करा है। जो टमाटर है वो हमारे फेस की डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, और शहद तो होता ही अच्छा है, शहद से हमारे फेस पर चमक बरकरार रहती है। ये मैं एक पेस्ट फॉर्म में बना लूँगी, ना ही ज़्यादा मैं इसको पतला रखूँगी ना ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा रखूँगी। पतला अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे फेस पर बहने लगेगा, स्क्रबिंग होने में प्रॉब्लम होएगी और टाइट लगने में भी प्रॉब्लम होएगी, तो इसलिए ऐसा रखना है ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। तो देखिए गाइस, ये मेरा एक फेस पैक रेडी हो चुका है, मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, थोड़ी सी देर में इससे स्क्रबिंग करूँगी और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट अपने फेस पर लगा छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं साफ़ पानी से वॉश कर लूँगी फेस को। गाइस, ये मेरा फेस पैक रेडी हो चुका है, अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ, थोड़ा सा स्क्रब करूँगी, उसके बाद मैं इसको 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पर लगा छोड़ दूँगी।
अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। मुझे ये फेशियल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, घर बैठे मैंने अपना फेशियल कर लिया है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।